दीदी दीदी आप दूध में चीनी की जगह नमक डालने वाली थी। ध्यान नहीं दिया। अच्छा हुआ तुमने टोक दिया। क्या बात है संध्या, तुम कुछ कहना चाहती हो? आप ऐसा क्यों कर रही हैं दीदी? आप जानती हैं ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। संध्या आप बहुत गलत कर रही हैं दीदी। मैं तो समझती थी कि आपकी जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए, कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, मगर जब बात आपके बच्चों की खुशी की होगी तो आप सिर्फ उनका ख्याल करेंगी। लेकिन आप तो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही हैं, अपने बच्चों के चेहरे से मुस्कुराहट छीन रही हैं आप। दीदी आपने कभी बच्चों की आंखों में झांक कर देखा है? वो कितने बुझे हुए, कितने मायूस से रहते हैं। दीदी एक उम्र के बाद बच्चों को अपनी माँ से ज्यादा अपने पापा की जरूरत होती है। दूसरे बच्चों की तरह भी वो एक पूरे परिवार का सपना देखते हैं। शेखर भाई साहब के जाने के बाद आपने बच्चों को अपने पापा को मिस करते हुए देखा है, उनकी बातें करते हुए देखा है, फिर भी आप ये नहीं जान पाए कि वो दोबारा किसी को पापा भी कहना चाहते हैं। खुशियां अपनी बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही है, लेकिन आप उस आती हुई खुशी का गला घोट रही हैं। अपने बच्चों को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हैं आप? कैसी माँ हैं आप? अपने बच्चों को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हैं आप? कैसी माँ हैं आप? अपने मतलब के लिए जानबूझकर उस आती हुई खुशी का गला घोट के कैसी माँ हैं आप? अपरा